Good morning. Good morning, Pakistan. अच्छा, ज़्यादा बातें करने की मेरे पास ना एनर्जी है, क्योंकि अभी भी उठी हूँ जस्ट, और ना ही टाइम है. तो लेट मी प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट, माई लंच. मैं जॉब के लिए निकलना है और 3:30 हो गए और मुझे 4:30 पे निकलना है. समझी बन रही है, नाश्ता भी इसी का किया जाएगा. और क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा लीन हो रही हूँ, कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो रही हैं, और जो है ना कंज्यूम मैं अच्छी चीज़ों का कम कर रही हूँ, जिसकी वजह से बहुत बैडली कोई किसी की चीज़ की ना मुझे डेफिशिएंसी हो रही है यार. अभी मैं ये फाइंड आउट नहीं कर पा रही हूँ कि किस चीज़ की है, बट इंशाल्लाह मैं ये पता लगा लूँगी. बट मैंने कहा कि पहले आप अपनी डाइट बेहतर करें, जिस चीज़ की भी डेफिशिएंसी है डाइट अच्छी होगी तो सब ठीक हो जाएगा. सो निस्मोजी बन रही है, जिसमें हम स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी एंड बनाना ऐड कर रहे हैं, एंड मिल्क तो जाहिर है. वॉमिट फील हो रही है, मैंने कुछ खाया भी नहीं था सोते हुए, और जितना भी खाया था मुझे 2-3 दिन से खाना जो है ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा. अच्छा, तो मिल्क मैंने इतना ज़्यादा ऐड नहीं किया है, और अपनी अपनी मर्जी है, थोड़ा सा और डाल देते हैं, बिकॉज दैट्स इट. अच्छा, ये चिया सीड्स हैं, इनको मुझे तो बहुत पसंद है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, आप लोग गूगल करके चेक कर सकते हैं. और इसको पहले जो है ना थोड़ी देर के लिए यूज़ करने से पहले इसको आपको डक करना पड़ता है, जो कि मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं इसको इसी तरह से ऐड करूँगी. यार ला वॉमिट क्यों आ रही है मुझे. बंद कर लेते हैं, इसके बहुत ही शोर है, सब सोए हुए और मेरे 3 बजे हैं, 3:30, बाकी सब सो रहे हैं. सैंडविच बना के ले जाऊंगी साथ में. दिल तो फुल पूरियां चूड़ियां पाए, शायद चने पराठा खाने का दिल है, लेकिन क्या कर सकते हैं. अच्छा, मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानी है ना, जो इतने प्रिविलेज्ड, जिनके पास आगे पीछे नौकर चाकर और हर चीज़ की एक्सेस इजी, बाहर निकलो तो जगह जगह पे फ्रूट शॉप एंड यू नो, जो जो पाकिस्तानी है सबको पता है कि व्हाट आई एम सेइंग, कि क्या बोल रही हूँ मैं. तो उनके लिए तो सरवाइव करना इंग्लैंड में इट्स वेरी हार्ड. मुझे 1 साल हो गया और मैं अभी तक जो है ना स्ट्रगल कर रही हूँ कि मैं सेटल हो जाऊँ, बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि नहीं हो ही नहीं सकता. बट लेट्स सी, जल्दी जल्दी से बाल बना लेती हूँ. मुझे बाल बनाते हैं, जो कि मैं तो डेली बाल बांध बांध के ना थक गई हूँ. ओके,
कलर नाइस लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा मेरे बालों का। अच्छा मैं सोने से पहले ना सारी ओवरऑल लाइक अपने अंडर आए, सिर्फ अंडर आए ओवरऑल नहीं, जस्ट अंडर आए और इस जगह पे मैंने जो है ना वैसलीन लगाई थी सोने से पहले। मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया बहुत अच्छी है। कभी इवन अभी ऐसी कोई एज नहीं आई है कि आपको कुछ, वैसे ऐसी भी बात नहीं है। यू नो जब आप डाइट करते हैं और जब बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस करते हैं तो कुछ चीज़ों की जो आपको ज़रूरत पड़ती है 40 में जाके, वो चीज़ें आपको लेट 20 में ज़रूरत पड़ जाती है। सो मैंने कहा इससे पहले ज़्यादा चीज़ों का नुकसान हो तो बेहतर यही है कि वैसलीन अप्लाई कर ली जाए। और अच्छी लग रही है मुझे तो। टर्मिनल 4 पे मैं पहुंच गई हूँ, अल्लाह करे कि डिफरेंट टर्मिनल पे मुझे नाम मिल जाए आज। तो अभी जो है कि आपके साइन करने होते हैं बिफोर दैट, स्टार्ट करने से पहले। तो अभी ऑफिस में बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, बहुत सफिकेशन सी हो रही है, मैं अंदर नहीं जा रही, पहले सांस बंद हो रहा है मेरा। तो हम तब तक आपको दिखाते हैं जी जहाँ पर, जिस फ्लोर पे मैं काम करती हूँ। अच्छा ये डिफरेंट जो एयरलाइंस हैं ये उधर इनकी चेक इन है, और ये थी KLM की, फ्रांस की। KLM ज़्यादातर जो है जोन H में होती है, लेकिन आज इस तरफ क्यों लगी हुई है? अच्छा ये चेक इन जो इंफॉर्मेशन है इस स्क्रीन पे, जिसको अपना जोन देखना है, फ्लाइट टाइम शाइम सारी चीज़ें देखनी है, वो इधर से कंफर्म करेगा। सभी आज बैंड बजने वाली है, आज डे जो है वो ए डे है, मींस बिजी है। अच्छा गाइस मुझे जो है ना साइन करने पड़ने हैं, क्योंकि जो एयर साइड वाले हैं उन लोगों ने कर लिए हैं। गुड आफ्टरनून। तो जी अभी हम फ्री हो गए हैं, जॉब से अभी आई हूँ, 2:30 हो गया, लेकिन मेरे 12 बजे हुए हैं और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और मुझे खुद वही हेल्प सेल्फ वाला काम है कि मुझे अभी बनाना है जी कीमा, एक नाइस सी चपाती बना लूँगी उसके साथ खाऊंगी। सुबह जैसे मैंने बताया ना कि जो पाकिस्तान में नवाबों की तरह रहते हैं ना, उनके लिए तो इधर एडजस्ट करना खुद को बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी हार्ड। तो अभी टाइम लगेगा जी कीमा तैयार होने में, फिर हम खाएंगे। तब तक मैं अपना ऑरेंज जूस पीती हूँ। आई वॉज टेलिंग समथिंग, मैं दूर थी तो मैंने कहा ज़रा नज़दीक आके बात करती हूँ।
पहली बात तो ये है कि भाई जो भी ये समझते हैं कि मेरी स्किन ग्लो करती है और मैं लीन रहती हूँ, मेरी स्किन से बहुत इंस्पायर्ड हो के, आप लोगों को हल्दी कैप्सूल खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड ये कि जो हम लोगों का खाना होता है, जो एशियन फूड होता है, हम उसमें ऑलरेडी वी आर टेकिंग हल्दी, लाइक क्योंकि हमारे देसी खानों में हल्दी तो जाती जाती है फॉर श्योर, हमारे घर में तो ऐसे ही है। तो इसीलिए जितनी फ्रॉम फूड हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ इनफ फॉर आवर बॉडी, सो अलग से कैप्सूल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट थिंग। बाकी आपकी अपनी मर्जी है यार, जिसको कैप्सूल छोड़ के जो मर्जी खाएं, मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है। बट मैं फॉर माई गुड स्किन मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ और पानी पीती हूँ, अपनी डाइट का बहुत ख्याल करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ। और मेरी अगर आपने वीडियोस देखी हो कुछ, तो मैं नियासिनामाइड सीरम यूज़ करती हूँ, वो भी मैंने अभी यूज़ करना शुरू किया है। और इफ़ यू गाइस, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो मेरी टीन एज से लेके मेरी स्किन वाज वेरी वेरी बैड, मतलब प्रॉपर बैड स्किन जिसे बोलते हैं ना, वर्स्ट वो थी। तो मतलब ग्रेजुअली मैंने ट्रीटमेंट्स बहुत सारे करवाए फॉर गुड स्किन, फॉर पोर्स, क्योंकि मुझे हमेशा से ओपन पोर्स की प्रॉब्लम रही थी। तो अभी एट दिस स्टेज मेरी वो एक तो एक्ने का भी इशू चला गया, मुझे मुझे जो पोर्स ओपन की प्रॉब्लम हुई और जो मेरी स्किन गंदी हो गई बहुत ज़्यादा, उसके पीछे भी काफ़ी रीज़न थे। बिकॉज ऑफ मेरा स्टमक भी ठीक नहीं था, मेरा स्टमक अपसेट था काफ़ी, तो वो भी रीज़न हो सकता है। एंड मैं अपनी टीन एज से लाइक मैं डाइट पे चली गई, बिकॉज ऑफ माई करियर आई वॉज डूइंग मॉडलिंग, और इस वजह से मेरा जो स्टमक है वो काफ़ी काफ़ी अपसेट हो गया। सो बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है और ये बिल्कुल भी हल्दी से नहीं हुई है, इसकी केयर करनी पड़ती है। तो हल्दी कैप्सूल खाना बंद कर दें प्लीज़, मेरी स्किन हल्दी कैप्सूल खा खा के अच्छी नहीं हुई है। मैं हल्दी दूध पीती हूँ सिर्फ लाइक कि मैं पैनाडोल को अवॉइड कर सकूँ, मुझे पेन किलर्स खाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अच्छा, डर इस वजह से कि मेरा स्टमक अपसेट हो जाता है मैं कोई भी पेन किलर खाऊँ, पैनाडोल या कोई भी। तो इस वजह से मैं प्रेफर करूँगी कि भाई मैं हल्दी दूध पी लूँ, ना कि मैं पैनाडोल खाऊँ। एंड जब मैंने चेक किया कि यस हल्दी दूध वाकई में बहुत अच्छा है, हल्दी अच्छी है, इफ़ यू गाइस चेक इट तो आपको पता चल जाएगा। तो कोई इंफ्लेमेशन है आपके इंटरनल तो वो भी उसको जो है ना रिड्यूस करती है, ख़त्म करती है। और एनी अदर लाइक इंटरनल कोई प्रॉब्लम है तो वो भी उससे उसके भी उसके लिए भी काम आती है। और जाहिर है अगर आप हल्दी दूध पी रहे हैं तो दूध आपको पता है वैसे ही अच्छा है, तो पीना चाहिए। सो वेरी सिंपल, स्टॉप टेकिंग हल्दी कैप्सूल।